भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश करने का फैसला। भारतीय रियासत मणिपुर में होने वाले नस्ली फसादात के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ओहदे से हटाने के लिए हाल ही में अपोजिशन का इत्तेहाद बनने वाली इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने लोकसभा में तहरीके अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक सीनियर अपोजिशन लीडर ने कहा है कि हमारी मुख्तलिफ दरख्वास्तों के बावजूद वजीर आजम ने 3 मई के बाद मणिपुर में होने वाली पेशरफ्त और इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बयान देने से इनकार कर दिया है। ये वाहिद पार्लिमानी रास्ता है जो हमारे पास पीएम को सूरत हाल पर तबसरा करने पर मजबूर करने के लिए दस्तयाब है। अपोजिशन लीडर के मुताबिक अगरचे लोकसभा में अपोजिशन वाजे तौर पर ज्यादा है, लेकिन पार्टियों ने महसूस किया कि ये मसला उठाने का सही फोरम होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तानी पार्टियां इस बात पर कायम है कि पार्लियामेंट सिर्फ उस वक्त काम कर सकती है जब वजीर आजम कोई बयान दें और इसके बाद मणिपुर पर बहस हो। राज्यसभा में अपोजिशन ने कायदा 267 के तहत 51 नोटिस पेश किए जिसमें मणिपुर पर बहस के लिए दिन के काम को मुअत्तल करने की जरूरत है। हुकूमत अपनी तरफ से इसरार करती है कि वो मणिपुर पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक नरम उसूल के तहत कि इसे वजीर आजम से जवाब की जरूरत नहीं है।